धनबाद के केलियासोल प्रखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां के आंख द्वारा पंचायत में निशक्त स्वावलंबन योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें यहां मूकबधिर बोलते हैं तो एक पैर से दिव्यांग आराम से चलते हैं। यहां कोई ईश्वरी वरदान नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का कमाल है। दरअसल इस गांव के 250 लोगों ने स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से निशक्तता प्रमाण पत्र बनवा लिया है, जिसमें इस योजना के तहत दिव्यांगों को प्रति माह 1,000 रुपए मिलते हैं। हैरानी की बात यह है कि आवेदन मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच नहीं की और निशक्तता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। पंचायत जनप्रतिनिधि के पास अब योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें शक हुआ। जांच कराई तो पता चला कि गांव के 50% लोगों ने निशक्तता प्रमाण पत्र बना लिया है। एक पैर से दिव्यांग बाइक से चलते हुए आया। जांच के लिए गांव के ही जानकी डे को मिलने के लिए बुलाया गया तो वो दोस्त के साथ बाइक पर आराम से पहुंचे। बाइक से उतरकर स्वस्थ व्यक्ति की तरह चलकर आए। जबकि निशक्तता प्रमाण पत्र के बारे में पूछा गया तो पेंट उठाकर जांग में ऑपरेशन का निशान दिखाया और बताया कि ऑपरेशन के कारण चलने में परेशानी होती है। उसमें आपके घर में कितने लोगों का है? हमको लेके सर दो गो है। दो गो? दो गो। लगमन? मेरा मेरा भी है सर। देख लीजिए मेरा। कैसे हुआ ये? ये ब्लड लगा हुआ है। लेकिन आपके लक्ष्मण जो हैं उनका तो मुख बधिर नहीं हुआ? वो सर कान में काम कर। लेकिन मुख बधिर तो नहीं हुआ? तो मुख बधिर के कैसे हो क्या बना सकते हैं? मुख बधिर कैसे बन सकता है ये हमको बताइए। मुख बधिर का मतलब समझ कान में जो नहीं काम पड़ता है सर। देखिए मुख बधिर का मतलब है कि वो बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता, दोनों यही। लेकिन बधिर कान में आप पर ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोगों का सर्टिफिकेट बनाए? नहीं सर, ऐसा भी है जैसा कि आदित्य मालाकार है, आदित्य मालाकार वो भी मुख बधिर नहीं है, उनका भी सर्टिफिकेट मुख बधिर था सर। डॉक्टर साहब जांच किया है, डॉक्टर साहब जांच करने के बाद उसको सर्टिफिकेट बनाया। मुख बधिर ने बोलकर बताया रास्ता। वहीं गांव के ही लक्ष्मण डे अपनी दुकान पर साइकिल मरम्मत करते दिखे। उनसे जब रास्ता पूछा गया तो बोलकर बता दिया। इसके बाद प्रमाण पत्र के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र तो बनवाया है लेकिन लाभ नहीं मिला है। त्रिकोड़ी आपके फादर का नाम है? कहाँ रहते हैं? अच्छा आप एक चीज हमको बताइए, ये स्वामी विवेकानंद योजना के तहत आप फॉर्म भरे थे? स्वामी विवेकानंद का जो है फॉर्म भरे थे? अरे पैसा ऐसा कुछ मिला है विकलांगता का? आपका विकलांगता का पैसा मिला है कुछ आपको? नहीं मिला है। हैं? नहीं मिलता है। मिला नहीं अभी तक। वहीं इस योजना के लाभ के बारे में जब एक मूक बधिर से बात की गई तो उसने स्वीकार किया कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र बनवाया गया है लेकिन लाभ नहीं मिला है। मना है ना? हाँ। तो उसमें तो आपका मूक बधिर लिखा हुआ है, जिसमें आप लिखा हुआ कि आप बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, वो सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं। हाँ तो गलत चीज़ हो गया होगा ना? वो तो अलग चीज है, हम सुनने में थोड़ा मेरा डिस्टर्ब। मुख बधिर का मतलब समझ रहे हैं ना? ना वो तो हाँ, हम हमारा माने सिर्फ सुनने के लिए माने थोड़ा दिक्कत। नहीं तो वही थोड़ा सा आपको यही हम कहना चाहेंगे कि देखिए ये गलत चीज़ है। ना ना ठीक है, इसीलिए सुबह से हम लोग घूम रहे हैं बस उसी के लिए। अच्छा जान लीजिए, हम लोग कल खोज रहे हैं उसी का बस। वहीं मुखिया ने बताया कि पंचायत में करीब 20 लोग निशक्त हैं लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए 250 लोगों ने निशक्तता प्रमाण पत्र बनवा लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए वार्ड मेंबर जानकी डे ऐसे फर्जीवाड़े कर रहे हैं। उन्होंने खुद का और 3 भाइयों का भी प्रमाण पत्र बनवाया है जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। मेरे गांव का जो जानकी दे है, आदमी से पैसा ले करके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आदमी को दे रहा है। आज जिसमें वो सर्टिफिकेट बनने के बाद स्वामी विवेकानंद
मुख्यमंत्री योजना से जो है उसमें पेंशन 1000 करके जो सरकार नियम बनाया है उस तुरंत सैंक्शन हो जाता है। इसमें तत्काल 20-25 भी सैंक्शन भी हो चुका है। फिर जैसे जानकी दिया हमको वोट 20-30-40 ला करके दिया तो हम देखे वास्तव में ये सब विकलांग नहीं है तो विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ से बना रहा। तो इसलिए आप लोग भी जो है आपके पंचायत में कितना बना होगा? अभी हमको मेरा पंचायत में 200-250 बना हुआ है। पंचायत का आबादी कितना है? पंचायत का आबादी लगभग 5-6 हज़ार 5-6 हज़ार आबादी का है। इसमें 250 केवल विकलांग ही है? हाँ, 200-250 विकलांग है। वास्तविक में वो विकलांग है? नहीं है, हमको लगता है 200 में अगर विकलांग होगा तो 2 से 5 तो होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो देखिए हम लोग भी उसको भी हम चेतावनी दिए हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र का वार्ड मेंबर है, मेरा बड़बड़ी रेवेन्यू विलेज है जिसमें वहाँ वार्ड मेंबर दूसरा है, वहाँ का अगर वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो ही जानकी देने वही वार्ड मेंबर का साइन वही कर देता है। अच्छा, तो उसके बदले पैसा ले रहा है क्या? हाँ, इसमें जो विकलांग है जैसे मेरा चाचा का लड़का है उज्ज्वल सिंह, जैसे हलधर सिंह, जिसमें उन लोगों को 1500-1500 रुपया लिया जा रहा है और किसी से 3000 रुपया लिया जा रहा है। वास्तव में उन लोगों को बोला जाए देख भाई मुखिया जी का पता नहीं चलना चाहिए। कई शिकायत की है? शिकायत अभी तत्काल में नहीं किए हैं, लेकिन पूर्व विधायक रूपचंद्र जी को इस मामला को हम अवगत करवाए हैं। तो पूर्व विधायक ने आश्वासन दिया जी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस फर्जीवाड़े के खुलासे से जिला प्रशासन भी दंग है। देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।